फिरोजाबाद की नवनिर्वाचित महापौर कामिनी राठौर को कुर्सी संभाले महज एक महीना ही बीता है, लेकिन महापौर कामिनी राठौर फिरोजाबाद की जनता के लिए कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। पिछले एक महीने में शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जिस दिन महापौर फिरोजाबाद की सड़कों पर दौड़ती हुई न दिखाई दी हो। कभी गाड़ी से, कभी बाइक से, तो कभी स्कूटी पर अकेले ही सड़कों पर निरीक्षण करती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, महापौर कामिनी राठौर ने फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र में रुके पड़े विकास कार्यों को भी गति प्रदान कर दी है। इसी क्रम में आज महापौर द्वारा एक के बाद एक दो स्थानों पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। सुहाग नगर सेक्टर 3 पुलिस सहायता केंद्र से लेकर नेहरू नगर तक मुख्य मार्ग के निर्माण का भूमि पूजन और रहना नाले से शुक्ला मार्केट तथा चौराहे से ग्राम लालव तिराहे तक मुख्य मार्ग के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस शिलान्यास कार्य में नगर विधायक मनीष ससीजा, महानगर अध्यक्ष राकेश संखवा के साथ नगर निगम के पार्षद गण भी मौजूद रहे। आज नगला भाऊ वार्ड नंबर 35 में करीबन 1,70,00,000 से सड़क चौड़ीकरण टोनी बाबू की बाउंड्री से लेकर मीरा चौराहे तक चौड़ीकरण और हॉट मिक्स द्वारा निर्माण कराया जाएगा। दोनों साइड टी गार्डन लगाया जाएगा और इंटरलॉकिंग दोनों साइड की जाएगी, जिसमें माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी एवं सभी पार्षदगण और सभी नगरवासी उपस्थित रहे हैं। अभी आपको महापौर महोदया ने बताया, 1.25 करोड़ लगभग 1,86,00,000 रुपए की लागत से एनकैप योजना के अंतर्गत ये जो काम कराए जा रहे हैं, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि जो TTZ का क्षेत्र है, यहाँ पर जो धूल का प्रदूषण है, धूल उड़ती है, उस पर कंट्रोल किया जाए। उसी आधार पर ये सड़क जो है, ये इसको चौड़ा करके 7 मीटर कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि बताया गया है कि जो इसके कच्चे किनारे हैं उस पर इंटरलॉक लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि ये चौड़ी सड़क है, यहाँ पर हरे पेड़ लगाए जाएंगे टी गार्ड के माध्यम से, जो संरक्षित भी रहेंगे। और उसके साथ साथ जब यहाँ पर हरियाली रहेगी और कच्ची ज़मीन नहीं रहेगी, तो यहाँ धूल की जो उड़ने की शिकायत है वो नहीं रहेगी। मैं आज इस कार्य के लिए अपने नगर की महापौर श्रीमती कामिनी राठौर जी को और उनके बोर्ड के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी एक महीना उनको शपथ ग्रहण लिए हुआ है, पूरी तरह एक्शन मोड में आकर सब लोग जनता की भलाई में जुट चुके हैं। जैसा कि आपको अवगत कराया गया है, उसी भावना से अपने को जोड़ते हुए, आप मीडिया का चौथा ऐसा लोकतंत्र का मजबूत खंभा है, जो कहीं भी कोई काम में 19-20 काम हो रहा हो, कहीं गड़बड़ हो रही हो, तो आप अपने कैमरे की पैनी निगाह से मेयर साहब को, नगर आयुक्त जी को अथवा मुझे, किसी को भी बताएंगे। काम की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की भावना के अंतर्गत यहाँ विकास कार्य कराए जाएंगे। आज गुरु पर्व भी है, गुरु पूर्णिमा भी है, इस पावन पर्व पे भी मैं आपके कैमरे के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।